जम्मू शहर में मोस्ट जगहों पर हम ऑलरेडी घूम चुके होते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि हमें कोई ऐसे एरियाज मिल जाते हैं, कोई ऐसे स्पॉट्स मिल जाते हैं जो हमारे लिए नए होते हैं। वैसे ही हम आज शहर का चक्कर लगा रहे थे और ढूंढ रहे थे कोई जगह जहाँ पर बैकग्राउंड्स बहुत खूबसूरत हो, जहाँ पर नज़ारा बहुत अच्छा हो, और हम पहुँचे। जो लोग वीडियो में जुड़ रहे हैं, अगर आपको मालूम है ये कौन सी जगह है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें, जो लोग गेस कर पा रहे हैं कि ये कौन सी जगह है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा है आज, नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ का। नीचे आप वहाँ खड़े होंगे तो नज़ारा और अच्छा आएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिटिंग एरिया था तो इसलिए हमने सोचा यहाँ बैठते हैं। हाय, गुड इवनिंग, हाय एवरीवन। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि एरियाज बहुत खूबसूरत जम्मू में भी हैं, और ये जम्मू शहर के बीचों बीच है। ये नहीं कि कोई पेरिफेरल इलाका है, बड़ी दूर का इलाका है जहाँ हम आपको लेके आए हैं। जम्मू शहर के बीचों बीच का इलाका है। और अभी जो लोग जुड़े हैं उन्हें बता देते हैं कि हम इस समय रोपवे जो बाहू में है वहाँ पर है, और यहाँ पर केबल कार फिलहाल तो बंद हो चुकी है, अभी 7 बज चुके हैं, टाइमिंग जो है 11 से 6 बजे तक का होता है। लेकिन यहाँ पर खुला है एक रेस्टोरेंट, केसी एक्सप्रेस डाइन इन, मैनेज बाय केसी रेजिडेंसी, और ये रोपवे जहाँ पर है वो सामने, वहाँ से आप केबल कार में बैठ कर जो है यहाँ बाहू से महामाया मंदिर तक जा सकते हैं, और उसके आगे फिर जो है पीखो तक भी जा सकते हैं यहाँ से। तो इस केबल कार की सैर करने का मौका तो अभी नहीं मिला क्योंकि आज लेट हो गए थे, बट यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं आप, बिकॉज बहुत पीसफुल और बहुत खूबसूरत जगह है। सामने ये जो सिटिंग एरिया बनाया गया है, यहाँ से आपको आसपास ग्रीनरी दिखेगी। ये जो रेस्टोरेंट है यहाँ आ सकते हैं, यहाँ आउटडोर सिटिंग एरिया भी है। मच्छरों का थोड़ा ख्याल रखिएगा अगर आउटडोर में बैठना है, नहीं तो इंडोर भी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है यहाँ पर। तो ये वो कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ आउटिंग के लिए आना चाहते हैं, शाम को संडे बिताने के लिए आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। प्लस केबल कार, आई थिंक मोस्ट लोग जम्मू के ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक इस केबल कार की राइड नहीं ली होगी, एंड मैं भी उन लोगों में से एक हूँ। मैंने भी अभी तक इस केबल कार की राइड नहीं ली है, लेकिन अब यहाँ आते हो तो दिल ज़रूर करता है कि यहाँ पर जो है केबल कार की राइड ली जाए। वो सागर सर जोर जोर से फ़ोन पर बात कर रहा है। तो मैंने बता दिया आपको जम्मू शहर के बीचों बीच बाहू रोपवे है, यहाँ पर आप लोग भी आ सकते हैं, सनसेट का नज़ारा बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको केबल कार राइड लेनी है तो आपको टाइमिंग का ख्याल रखना है कि सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का या 6 बजे तक का टाइम होता है जिसमें आप जा सकते हैं। एंड हाई एवरी वन, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू की सारी खूबसूरत जगहें भी आप तक पहुँचाएँ, जम्मू की सारी खबरें भी आज आप तक पहुँचाएँ। आज बारिश हो रही थी दिन में, तो हमने आपको आर्टिफिशियल लेक का नज़ारा भी दिखा दिया। वो ब्लॉग भी जो है वो मेरे पेज पर आपको दिख जाएगा, जहाँ पर आर्टिफिशियल लेक जम्मू शहर के बीचों बीच नज़र आ गई हमें कि भाई आर्टिफिशियल लेक बन गई है। एंड अभी शाम का समय है तो इट्स गुड कि यहाँ पर अभी इतना रश नहीं है, क्योंकि थोड़ी शांति होती है तो आप आराम से बैठ कर रिलैक्स कर सकते हैं। पेड प्रमोशन है क्या मैम? कोई पेड प्रमोशन नहीं है यार, पेड प्रमोशन होती तो केबल कार में बैठ नहीं गए होते। कहीं अच्छी जगह दिखती है तो हम कहते हैं कि भाई लाइव आके दिखा दे लोगों को भी, जिन लोगों को जगहें ढूंढनी पड़ती है जम्मू में कि कहाँ जाएँ, कहाँ हैंग आउट करें, कहाँ दोस्तों के साथ जाएँ। तो यहाँ पर आ गए हम, अच्छा लगा तो आप तक भी पहुँचा दिया। सो फिर ये आप देख सकते हैं बाहू रोपवे, बाहू फोर्ट के नज़दीक, नॉट बाहू फोर्ट के नज़दीक, बट हाँ यहाँ से भी एक रास्ता जाता है हर की पौड़ी की तरफ। जब रास्ता जाता है सिद्रा वाली साइड से भी आप आ सकते हैं, दूसरी साइड से भी आप आ सकते हैं। तो ये लोकेशन जो है वो बाहू है, बाहू रोपवे जहाँ पर है। किसी को भी रोपवे पूछोगे तो वो रोपवे बता देगा, गंडोला राइड पूछोगे वो बता देगा, कि यहाँ से महामाया मंदिर का भी रास्ता है, यहाँ से पीखो का भी रास्ता है, और राइड भी ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी है। आई चेक आई आस्ट, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की केबल कार कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन व्हाटएवर वो मैनेज कर रहे हैं, तो रेट्स भी बहुत सस्ते हैं कि 500 रुपये में यहाँ से महामाया मंदिर और वहाँ से पीखो तक जाकर रिटर्न राइड भी ले सकते हो, तो दैट इज़ प्रिटी चीप। तो यार इतनी चीप राइड के लिए पेड प्रमोशन करने की ज़रूरत भी क्या है? हाँ, रेस्टोरेंट के लिए है कि वहाँ पर रेट्स आपको ख्याल रख के आना पड़ेगा कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं,
लेकिन आपकी मर्जी है, जब घूमने के लिए लोग आते हैं तब तो आ ही जाते हैं। तो फिलहाल हरियाली हरियाली है यहाँ पे, और इस हरियाली के बीच में हम कहते हैं आपको अलविदा, क्योंकि सागर सर को जाना है घर, और हम भी निकलते हैं अपने काम पर वापस। बाय।